इस पवित्र तीर्थ में आप सभी का, माताओं बहनों का ये अनंत आशीर्वाद मैं देख रहा हूं, ये बताता है कि बीजेपी की विजय कितनी प्रचंड होने जा रही है। मुझे बताया गया कि परसों साइक्लोन के कारण यहां बहुत बारिश हुई, मंडप बनाना भी मुश्किल था, कोई जगह भी तय होना मुश्किल था कि कहां पर कार्यक्रम करेंगे। आखिर में कुछ ही घंटों में आप लोगों ने खुले में कार्यक्रम करने के लिए हिम्मत दिखाई और सूर्य देवता ने भी कृपा कर दी। इतने कम घंटों में इतनी बड़ी रैली की योजना बनाना, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये तब संभव होता है जब जनता जनार्दन खुद चुनाव की बागडोर संभाले हुए हो, जनता जनार्दन खुद चुनाव का नेतृत्व करती हो, तब ऐसा दृश्य बनता है। मैं आज आप सबको शत शत नमन करता हूं। मैं आज आपके साथ ही कोलकाता के भी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा। कल शाम कोलकाता के लोगों ने रोड शो में और उसके पहले भी और उसके बाद भी जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, जो आशीर्वाद दिए, मैं ये दृश्य कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं कोलकाता वासियों का भी इतना लगाव, इतना उत्साह, उमंग, इतने भरपूर आशीर्वाद जी भर के आज मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपका ये स्नेह ये साफ साफ संदेश दे रहा है, फिर एक बार। साथियों, 24 के इस चुनाव में बंगाल में ये मेरी आखिरी सभा है। इसके बाद मैं उड़ीसा चला जाऊंगा, कल आखिरी दिन मैं पंजाब में बिताऊंगा। एक प्रकार से कल शाम को प्रचार पूरा हो जाएगा और उस अर्थ में बंगाल की ये मेरी 2024 के चुनाव की आखिरी सभा में इस पवित्र मिट्टी के दर्शन करने का मौका मिला है, आपके उत्साह और उमंग को अनुभव करने का मौका मिला है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर के देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि
उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। आप याद करिए, देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। भारत जैसे देश में भुखमरी की खबरें आम होती थी, करोड़ों लोगों के सर पर छत नहीं थी, महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी, पीने के लिए पानी नहीं, 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं, उद्योगों के लिए संभावनाएं नहीं। ये तो एक दृश्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि सुधार के लिए चर्चा भी नहीं होती थी। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों करोड़ युवाओं के सपने मार दिए थे। 5-5 पीढ़ी को आजाद हिंदुस्तान में तबाह कर दिया गया, उनके सपनों को रौंद दिया गया, उनकी आशा आकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, हमसे छोटे थे, सामान्य थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास इतना टैलेंट, इतना स्किल का सामर्थ्य, युवा आबादी की बढ़त, लेकिन हम पीछे छूटते चले गए। वही भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है? यूरोप में भारत का डंका बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भारत का डंका बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है? ये किसने किया? 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 जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये सब हुआ है आपके एक वोट की ताकत से। ये आपका वोट जिसने मोदी को मजबूत बनाया और मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया। ये ताकत मोदी की नहीं, ये ताकत आपके एक वोट की है। हमने 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बना करके दिए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचाया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है। अब आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल का निर्माण जरूरी है। ये तभी होगा
जब आप ऐसे एमपी चुने जो इस विजन को लेकर चले, इसलिए मुझे बंगाल से ज्यादा आप कमल जिताकर भेजेंगे इसका आशीर्वाद चाहिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के एमपी चुन करके आप भेजें, इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं विकसित बंगाल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। साथियों, टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं, बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवोना, एक ही हथियार, एटा होते देवोना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवोना, एटा एटा, जरा जोर से बोलिए एटा। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई, टीएमसी कहती है एटा एटा होते देवोना, एटा होते देवोना। हम देश के हर महिला को उज्ज्वला सिलेंडर दे रहे हैं। बंगाल सरकार लाखों एप्लीकेशन लटकाए हुए हैं, टीएमसी का कहना है एटा एटा होते देवोना, एटा होते देवोना। मोदी ने हर गरीब को मुफ्त इलाज की गारंटी दी। अब हम 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को बीमारी में मुफ्त इलाज देंगे, लेकिन टीएमसी बंगाल में आयुष्मान योजना नहीं लागू होने दे रही है। टीएमसी कह रही है एटा 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 होते देवोना। साथियों, टीएमसी की जीत का बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लाखों फिशरमैन को हो रहा है। केंद्र सरकार मछुआरे भाई बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है। हमने मत्स्य पालकों को, फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। यहां रायदीगी में हमने फिश कल्चर सेंटर दिया, हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। इसके लिए
20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया, लेकिन टीएमसी सरकार का यहां भी वही रवैया, एटा होते दे बोया। टीएमसी बंगाल में फिशिंग से जुड़े केंद्रीय कानून लागू नहीं होने दे रही है, इससे फिशरमैन को इंश्योरेंस क्लेम लेने में दिक्कत आ रही है, बीमा नहीं मिल रहा है, लेकिन टीएमसी वालों को आपकी चिंता नहीं है, इनको तो अपने तोलाबाजों और कट मनी सिस्टम से मतलब है। ऐसी टीएमसी को जरा मुझे पूरी ताकत से बता दीजिए, देश पूरा आपको देख रहा है, क्या ऐसी टीएमसी को आप सजा देंगे? आप टीएमसी को सजा देंगे? कड़े से कड़ी सजा देंगे? हर पोलिंग बूथ में उनका सफाया कर देंगे? साथियों, इस क्षेत्र में नदी कटान रोकने के लिए हमारी सरकार पैसे भेजती है, वो पैसा टीएमसी खा गई। इनका एक ही एजेंडा है, इनको हर चीज में काट मानी चाहिए, इनको तो काट मानी चाहिए। गरीबों के राशन में, पीएम आवास में, यहां तक कि बच्चों के मिड डे मील तक में काट मनी चाहिए, काट मानी चाहिए। साथियों, टीएमसी बंगाल के लोगों से इतनी चिढ़ी हुई है, टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है, ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रही। टीएमसी इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है, इसके गुंडे मठ पर हमला कर रहे हैं। राम मंदिर 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं, ऐसी टीएमसी कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों, अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए, टीएमसी हाईकोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है,
आप कल्पना करिए तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। 1 जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा। हम सुरक्षित और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। साथियों, आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बसाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए, 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज, नाम शूद्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं, ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। हमने यहां 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाई है। हम कोलकाता पोर्ट के कंजक्शन को भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बंगाल में मजबूत करिए, आपकी हर अपेक्षा बीजेपी ही पूरा करेगी। साथियों, इस बार आपका एक वोट देश की राजनीतिक दिशा भी बदलने का काम करेगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। साथ यहां मंच पर बीजेपी के 3 प्रत्याशी उपस्थित हैं। मथुरापुर से श्री अशोक पुरकायत जी, जयनगर से डॉक्टर अशोक कंडारी जी और डायमंड हार्बर से अभिजीत दास बॉबी जी।